खबर अजमेर के केकड़ी से है, जहां प्रवासी मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किया गया जो विभिन्न इलाकों में काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनके पास कोई काम नहीं था। ये लोग घर जाने को लेकर चिंतित थे। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इनको ट्रेन से बिहार भेजने के निर्णय के बाद तहसीलदार कपिल शर्मा के निर्देशन में बस से अजमेर भेजा गया, जहां से ये मजदूर ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया गया। मैं पाइप फैक्ट्री में 8 महीने से काम कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान हम लोग यहाँ फंसे हुए थे। यहाँ राजस्थान सीएम ने अभी बिहार वाले को भेज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। इसके लिए अच्छी बात है कि अशोक वल्लभ जी ने ये सिस्टम चालू किए हैं और हम लोग को सब आदमी को भेज रहे हैं हमारे घर पे। ये खुशी की बात है। तो इतने काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हो आप, तो अब जैसे घर जाने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छी महसूस हो रही है। 8 महीने से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, भी हम लोगों को खाने का प्रॉब्लम रहा था। ये सिस्टम चालू हो गया, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। ये यहाँ का सीएम भेज रहे हैं।